ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आप सबके भीतर बैठे हुए भगवान को, ईश्वर को, उस परम शक्ति को, माता जी को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। दोस्तों, आप बहुत शक्तिशाली हैं। आपके भीतर उस परमात्मा की सब शक्तियां हैं। आप शक्तियों के बहुत समीप हो। बार बार ये बात आपसे कहता हूं। जब हम पे कृपा नहीं होती, जब हम कहीं जाना नहीं चाहते, हम इस बात को मानते नहीं हैं। मैं भी ऐसी स्थिति में रहा हूं। कभी साइंस की बात करने वाला, कभी एस्ट्रोलॉजी को परमात्मा की वाणी कहने वाला, पर जब से कुछ पाया है, जब से जाना है कि आप ज्योतिष की विषयवाणी को भी बदल सकते हो, ज्योतिष ने जो कहा है उसको भी चेंज कर सकते हो, इवन आपको डॉक्टर ने जो कहा है उसको भी चेंज कर सकते हो, आप अपने भाग्य के खुद विधाता हो। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जब से ये जाना है, महसूस किया है और प्रैक्टिकल रूप से बार बार अनुभव हुआ है, मैं उस अनुभव को आपके साथ बांटने की कोशिश करता हूं। आज भी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं और शब्द बहुत छोटे पड़ जाते हैं, शब्द आ नहीं पाते, क्या कहूं। पर एक बात निश्चित है कि वो शक्ति जैसे मेरे अंदर है, मैंने उसको महसूस किया, मैंने उस कृपा से, उस हीलिंग से बहुत लोगों का भला हुआ और कुछ लोग बनते बनते अच्छे हीलर बन गए, बन रहे हैं। आप सब कुछ बाहर ढूंढना बंद कर दो, अपने आप से प्रेम करो और सवाल पैदा होता है कि जब हमारे अंतर में है वो सब शक्तियां हमारे अंदर हैं, तो फिर बनती क्यों नहीं बात। हम तो इतना मंदिर जाते हैं, इतना प्रभु का स्मरण करते हैं, इतना दान पुण्य करते हैं, फिर भी बात नहीं बनती। बात बनती है जब उसकी कृपा होनी है, वो आपकी कीर्तन करते करते, भजन करते करते, नृत्य करते करते भी उसकी कृपा हो जानी है। सिर्फ बात इतनी सी है कि वो घटना कब घट जाए आपको पता ना चले। सबसे जो बड़ा पर्दा है हमारे और उसके बीच,
वो विचारों का पर्दा है। हमने अपने विचारों से उसको बांध रखा है, हमने अपने विचारों से, अपनी स्टडी से, सुनी सुनाई बातों से, परंपरा से, कभी कभी ऐसा ही सोच के रखा है ऐसा होगा तो ऐसा ही होगा, पर ऐसा नहीं है। आप उन बातों को मानते मानते दूसरी स्थिति में भी जाएं, जैसे आपसे कहता हूं कि पहले मान लो फिर जान जाओगे, जब जान लिया तो जो उसका नशा होगा, उस शक्ति का नशा होगा, उस पावर का नशा होगा, आप सोच भी नहीं पाओगे। और आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं, आपको कोई अनुभव होता है, आपको कोई एक्सपीरियंस होता है, आपकी इंट्यूशन अच्छी होने लगती है, आपकी शक्ति बढ़ने लगती है, आपकी प्रार्थना से कोई ठीक होने लगता है, आपको आध्यात्मिक प्राप्ति होने लगती है, तो प्लीज 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 किसी से शेयर नहीं करना। आज आपने बहुत बड़ा प्रकाश देखा, बहुत लाइट देखी, आप करने लगे बखान, किसी को हीलिंग दी, अच्छा हो गया, बोलने लगे, तो बात गई होगी, दोबारा उस स्थिति में आने के लिए टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि बताने से कोई नुकसान होता है, हमारी जो सूक्ष्म ईगो है वो जग उठती है, और जैसे ही सूक्ष्म ईगो जग गई तैसे ही सब कुछ खलास हो गया। जैसे जैसे आपके ऊपर उसकी कृपा होगी, उसकी मेहरबानी होगी, उसकी रहमत होगी, वो शक्ति जागृत होगी, आप झुकते जाएंगे, आप में ईगो चलती जाती जाएगी, और आप बहुत परेशान हो, किसी का काम नहीं चल रहा, किसी की फैमिली की स्थिति खराब है, कहीं पति से परेशानी है, कहीं पत्नी से परेशानी है, कहीं बच्चों से परेशानी है, कहीं बॉस से परेशानी है, कहीं वर्करों से परेशानी है, कहीं और तरह की बीमारी से परेशानी है, कहीं राजनीति को, राजनीतिक बंदे को राजनीति की परेशानी है। आप एक बार शुभ संकल्प करो और सभी के लिए अलग अलग से मंत्र हैं, अलग अलग से लिए अलग अलग से ध्यान है, उनका पालन करो तो मैं प्रॉमिस करता हूं कि जो चाहते हो होने लगेगा। पर प्रार्थना इतनी कि किसी का बुरा नहीं चाहना, किसी को डाउन नहीं करना, और सबसे बड़ी बात इसको गुरु मंत्र मान लेना। मैं नहीं मानता था, जब से सीखा है तब से उस मां की और कृपा होनी शुरू होगी। किसी को बदलने की कोशिश मत करना, आपके कहने से कोई बदलेगा नहीं, कोई चेंज नहीं होगा। जितना मैं भी कहता हूं बेटा तू प्रेयर में बैठा करो, माता रानी के चरणों में बैठा करो, मेडिटेशन में बैठो, थोड़ी सेवा किया करो, उनको लगता है इसका तो काम बोलना बोलता रहेगा, इधर से सुनो उधर से निकाल दो, तो आप किसी को नहीं कहना, क्योंकि सलाह देना सबसे मूर्खतापूर्ण काम है। किसी को एडवाइस नहीं देना जब तक वो मांगे ही नहीं आपसे। जब कोई एडवाइस मांगता है उसने डिसीजन लिया होता है, वो सिर्फ आपकी हाँ में हाँ मिलाना चाहता है कि आप मेरी हाँ में हाँ मिला दो तो आप बहुत अच्छे, अगर आप हाँ में हाँ नहीं मिलाते हो तो आप बहुत बुरे, चाहे आप गुरु हो, आप पिता हो, आप फादर हो, आप बड़े हो। जब से उस माँ के साथ बातचीत हुई, माँ की कृपा हुई, तो इन फजूल बातों से मैं हट गया। और कभी कभी फिर दौरा पड़ता है
फिर भी चाहता हूं कि नहीं आपको मैं है ये भी मशवरा ही मशवरा देना नहीं चाहिए, फिर भी देता हूं कि आप दूसरे को चेंज करने की कोशिश मत करना, आपके ऊपर आपका राइट है, अपने को चेंज करो, कोई आपके कहने से बदलेगा नहीं, कोई आपके कहने से चेंज नहीं होगा। हाँ किसी की प्रोग्रेस हो जाए, कोई बड़ा व्यक्ति बन जाए, भगवान के चरणों में लगे, उसमें अड़ंगा भी नहीं डालना, कोशिश करना कि आगे बढ़ जाए, खुला छोड़ना, और आप देखोगे कि आपकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ने लगी अपने आप, आपके बीच उस परमात्मा के बीच एक छोटा सा पर्दा है, कुछ है ही नहीं, वो शक्ति के बीच आपके बीच कुछ है ही नहीं, पर आप तो दूसरे की मां की बात मानने को तैयार नहीं हो, पिता की बात मानने को तैयार नहीं हो, जो आपने ठान लिया, आपने गलत सोच लिया, कहते को नहीं मैं इसको करके छोड़ूंगा, तो भगवान कहां से आ जाएंगे, आप तो दुनियादारी में भी सक्सेस नहीं हो पाओगे। आप कहते हैं कि अगर आपने किसी से मशवरा लेना है कारोबार में, जा तो उस बंदे से लो जो बहुत सक्सेस हुआ है, जा जो बहुत फेल हुआ है, फेल वाला भी कुछ बताएगा, सक्सेस वाला भी कुछ बताएगा, पर मानना है तो मशवरा लेना, तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। और सबसे बड़ा जो ट्रेनिंग है ना आपकी फेल होने में होती है, जब आप फेल होते हो ना तब जो ट्रेनिंग होती है वो कहीं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में नहीं होती। आप सोचो आप फेल हुए हो, आप सीख लिया आपने, और आपके झूठ का भ्रम कि ये मेरे साथ खड़ा, वो मेरे साथ, वो मेरे साथ, वो मेरे साथ, ये सब झूठ भी निकल जाता आपका। और खराब टाइम थोड़ा सा आना चाहिए, नेगेटिव टाइम आना चाहिए, तो ही उसकी कृपा की शक्ति का महसूस होता है। जैसे अंधेरा आता है, अंधेरा होता है, रोशनी आती है तो रोशनी की वैल्यू दिखती है कि रोशनी क्या है। आपको जो मैं सिखा रहा हूं अपने अनुभव की बात कहता हूं, आप संकल्प शक्ति को समझो, आप संकल्प को दृढ़ करो, संकल्प को मजबूत करो। मैं ज्यादा संकल्प के बारे नहीं कहूंगा, बहुत बार कह चुका हूं, आपके फेल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आप कामयाब नहीं हो पा रहे, अभी बहाना है, कोरोना चल रहा है, मार्केट में मंदी चल रही है, मेरा भाई मेरा साथ नहीं दे रहा, मेरा मैनेजर भाग गया, मेरे वर्कर भाग गए। जिस दिन ये ठान लोगे ना, तो ना तो कोई वर्कर भागेगा ना कोई और भागेगा। गुरु चरणों में लग के भक्ति में जाओ, और जो आपके लिए उचित गुरु आपके गुरु श्री ने आपको मंत्र दिया उस स्थिति को करो। कोई बात नहीं बनती तो उनके चरणों में जाके गिर जाओ कि गुरुदेव कृपा करो, हमारी हमें कहां गलती हो रही है। और जैसे जैसे आप देखोगे आपको लगे मेरा गुरु तो सीधा साधा, मैं तो बिलियन का काम कर रहा हूं, मेरे तो इतने मोटर इतने होटल इतना जी, गुरु को क्या पता। तो जो गुरु को पता आपको नहीं पता, गुरु अपनी शक्ति का माहिर है। मैं प्रयास करता हूं कि मेरे जैसे व्यक्ति के अंदर छोटी सी लाइट जग सकती है, तो आपके अंदर क्यों नहीं जग सकती। और दोस्तों एक बात और कहूंगा, आज भी सीखता हूं, कितनी चीजें मैं आपसे सीखता हूं, मैं इस विद्या का स्टूडेंट हूं, तो मैं उसको जो सीखा उसको शेयर करना चाहता हूं। और जैसे कैसे बताऊंगा आपको, जैसे क्यों शेयर करना चाहता हूं, मुझे शांति नहीं मिलती है शेयर करने से, आप मानो ना मानो। जैसे किसी व्यक्ति को हीरा मिल जाए, बहुत बड़ा हीरा मिल जाए, आप सोचो मिल गया 100 कैरेट का 200 कैरेट का, वो कोई कंजूस व्यक्ति होगा तो छुपा लेगा उसको, रखेगा, अपनी पत्नी को भी नहीं बताएगा कि मेरे पास इतना बड़ा हीरा है। जो सज्जन पुरुष होगा, साधु पुरुष होगा, वो हीरे को बताएगा, देखो मुझे हीरा मिल गया, देखो इस हीरे की लाइट कितनी, ये हीरा कितना बड़ा, इससे क्या क्या हो सकता है। और आप जानते होंगे हीरे में, डायमंड में और कोयले में केमिकल तत्वों का ज्यादा फर्क नहीं है, कोयला और हीरा की जो रासायनिक क्रिया है, जो केमिकल है, सेम है। जो आज हीरा बना वो भी कभी कोयला था, हजारों साल ऐसे कहते हैं जमीन में दबा रहता है, जब निकालते हैं तो कोयल वो हीरा बन जाता है। और जो रूहानियत रूपी हीरा है
वो तो अनमोल है, और दुनिया में तो किसी किसी को हीरा मिलता है, आपके अंतर में तो हीरा विराजमान है, आप उस हीरे को पहचानते नहीं हो। आप उस डायमंड को पहचानो, नहीं पहचानोगे तो कोयला ही रह जाएगा, कोयले के रूप में चला जाएगा। आप ऐसे किसी की चमचागिरी करते रहोगे, किसी के हाथ जोड़ते रहोगे, कभी कोई पानी में चीजें डालते रहोगे, कहीं कुछ और अडंबर करते रहोगे, कहीं कुछ करते रहोगे, कुछ नहीं होने वाला जब तक आपने इस चीज को नहीं समझा। तो आप अपने डायमंड को पहचानो, अपने गुरु की शक्ति को पहचानो, और कष्ट की बात है, इस डायमंड को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, किसी को दिया नहीं जा सकता। अगर दिया जा सकता होता, अभी तक के बुद्ध पुरुष, महापुरुष, ऋषि, फकीर इतने दयालु थे, सबको देख रहे होते, वो समझा सकते थे। उन्होंने बार बार समझाया, बार बार समझाया, बहुत ढंग से समझाया, पर कुछ ऐसा नेगेटिव प्रभाव कि हम मानते नहीं हैं। तो मैं आपसे फिर आज ये प्रार्थना करता हूँ कि ये जो ढंग है उस डायमंड के पास जाने का है, उस हीरे को पाने का है, उस ऐसे कल्प वृक्ष तक जाने का है, ऐसी कामधेनु गाय के पास जाने का है जो हमारे अंदर है, सब कुछ पाया जा सकता है। आप किंग हो, पर अच्छी सोच, अच्छे विचार, नो जेलसी, किसी का बुरा नहीं, किसी को डाउन करना नहीं, आप देखो कैसे कमाल होती है। बहुत बातें हो गई, अभी हम इस नेगेटिव एनर्जी को निकाल लें। मैं आपसे प्रार्थना करूं कि आप जैसे मंत्र करोगे तो मंत्र में फिर मंत्र और आप कुछ नहीं आना चाहिए बीच में, मंत्र और आप, माँ और आप, धीरे धीरे मंत्र गायब हो जाता, फिर माँ और आप रह जाते हैं, और शक्ति और आप रह जाते हैं, धीरे धीरे शक्ति भी गायब हो जाती, आप और शक्ति एक हो जाते हो। जैसे आप एक होते हो वो स्टेट ऐसी चेंज होती है, आप भी फिर दूसरे हो जाते हो। जैसे कोई आम व्यक्ति था, उसको बहुत बड़ी पदवी मिल गई, वो खास हो गया, तो जब उसके चरणों में जाते हैं, उसकी कृपा होती है, तो सब खास हो जाते हैं आम से। तो भगवान करे आप भी खास हों। क्लीम कालिकाय नमः मंत्र का जाप करेंगे, क्लीम कालिकाय नमः, 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 क्लीम कालिकाय नमः। धीरे धीरे मन में जाप करें। नाभि चक्रा के बाद हृदय चक्रा आता है, हृदय चक्रा का डायमंड ही आगे रोशनी देता है। जितना हृदय आपका दिल बड़ा होगा उतना हृदय चक्रा जागृत हो जाएगा, जितनी दूसरों के प्रति दया होगी, रहम होगा, क्षमा करने की शक्ति होगी, माफी मांगने की शक्ति होगी, अंतर से दूसरों के साथ कोई दुश्मनी नहीं होगी, तो आपका हृदय चक्र बहुत बड़ा होगा, भगवान आपके ऊपर बड़ी कृपा करेगा। जैसे जैसे आपका हृदय बड़ा होता जाएगा, आप दूसरे व्यक्ति होते जाओगे।
स्लोली स्लोली हृदय चक्र को महसूस करने की कोशिश करें बंद आंखों से। आज्ञा चक्र से तीसरी आंख को महसूस कर तीसरी आंख से हृदय चक्र को महसूस करने की स्थिति करें, कल्पना करें। हृदय चक्र के सब द्वार खुल रहे हैं। सब कमल की पंखुड़ियां खुल रही हैं। जैसे कमल खुलता है, खिलता है, कितना सुंदर लगता है, कितना आनंद आता है। हमारा हृदय कमल भी खुल रहा है। हृदय चक्र की रेजेस से पूरी बॉडी क्लीन हो रही है। सूक्ष्म शरीर की शक्तियां और मजबूत हो रही हैं। सूक्ष्म शरीर की शक्ति मजबूत होना बहुत जरूरी है। स्लोली स्लोली पूरी बॉडी आपकी लाइट होने लग गई, लाइट हो गई। आपका सूक्ष्म शरीर, आपका विद्युत शरीर और मजबूत होने लगा। जैसे सूक्ष्म शरीर विद्युत शरीर की शक्ति जागृत होती है, मजबूत होती है हमारी उस आत्मा से और मजबूत स्थिति हो जाती है और परमात्मा से भी मजबूत होने लगती है। दोस्तों, मन कहाँ है हमारा? पर मन से ही आनंद आता है। मन ही शक्तियों को महसूस करता है। मन ही सुख को महसूस करता है। मन ही दुख को महसूस करता है। पर मन कहाँ है? उसकी शक्ति विराट है, विशाल है। ये साइंस भी मान रही है कि मन जो चाहता उसी से सब कुछ होगा। अध्यात्मिक साइंस भी मानती है। पर मन का दोस्तों कोई आकार नहीं है, कोई उसकी शक्ल नहीं है। और मन के साथ अबाध आती आत्मा, आत्मा के लिए बहुत कुछ वर्णन है पर आत्मा का भी कोई आकार नहीं है। जब जब हम ध्यान में जाते हैं, जो जाते हैं उनको भी महसूस होता होगा। मन का भी कोई आकार नहीं है, आत्मा की भी कोई शक्ल नहीं है, उसका भी कोई आकार नहीं है। और दोस्तों, जो परमात्मा है आत्मा के साथ, उसका भी कोई आकार नहीं है। उसको आप मत बांधो किसी शक्ल में, किसी धर्म में, किसी आकार में। आप कभी भी नहीं पा पाओगे। पर मन का, आत्मा का, परमात्मा का डायरेक्ट रिलेशन है। पर जब तक मन उसकी ओर लगेगा नहीं, ये पर्दा खुलेगा नहीं, आप बाहर भटकते रहोगे। और जो संकल्प है, जैसे मन आत्मा परमात्मा का कनेक्शन बन जाता है ना, तो छोटी बात हो जाती है। जैसे आपके पास किसी का नंबर है, मोबाइल है, दूसरे के पास भी है, तो आपका कनेक्शन बन गया। फिर वो बहुत बड़ा आदमी भी क्यों ना हो, पर आपका कनेक्शन है तो वो बात बहुत छोटी होगी।
आपके सेवन चक्र क्लियर हो गए, सूक्ष्म शरीर मजबूत हो गया, विद्युत शरीर मजबूत हो गया। अभी आप शक्ति क्रिया मुद्रा करेंगे। धीरे धीरे आंख खोलें, हाथ देखें, ऐसे टच करें, जैसे आप क्लियर हो गए, क्लीन हो गए, बर्तन क्लीन हो गया। अभी आप अपने गुरु मंत्र का जाप करेंगे। मंत्र नहीं है तो भी हसा काला हरीम का जाप करें। हसा काला हरीम, 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 हसकल 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 हरीम। मन में जाप करते रहे। हसकल हरीम, 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 हसकल हरीम। डीप ब्रीथिंग करें और सांस को महसूस करें। जैसे जैसे आप प्राण को महसूस करते हो, उस प्राण की शक्ति है जो, उस प्राण का जो मालिक है, उसके साथ आप एक होने लगते हो। श्वास प्राण एक ऐसी स्थिति है जो हमारे और भगवान के बीच एक ब्रिज है। जैसे जो ब्रिज टूट जाता है, इस शरीर को हम छोड़ देते हैं। और क्या मजे की बात है, सब चीजें आपको याद करनी पड़ती हैं, पर सांस लेना कभी याद नहीं करना पड़ता। इसका अरेंजमेंट भगवान ने किया है, ऑटोमेटिकली होता है। अगर हमारे हाथ में होता तो भूल जाते, तो गया काम। प्राण के साथ एक हो जाएं। आज्ञा चक्र पे फोकस करें।
आज्ञा चक्र भगवान की आज्ञा को आपके थ्रू पैदा करता है, पर आप अहम ब्रह्मास्मि, जैसे जैसे हम उस परमात्मा की शक्ति के करीब होते हैं तो फिर जो आप आज्ञा देते हो वो भी मानने लगता है। जब उस शक्ति के करीब होते हो तो आप कोई गलत आज्ञा दे नहीं पाते। जैसे जैसे दोस्तों कोई तांत्रिक, नेगेटिव तांत्रिक ऐसे गलत आज्ञा देते हैं अपनी शक्तियों को, उनका अंत बहुत बुरा होता है। और आप जैसे जैसे आप अपने आज्ञा चक्र पे कंट्रोल पाते हो, जागृत होता है हृदय चक्र, जागृत होता है तो आपके ऊपर नेगेटिव शक्तियों का प्रभाव समाप्त होने लगता है, आप नेगेटिव शक्तियों को रिसीव नहीं करते हो। अपने संकल्प को विजन करें, गोल को विजन करें, हे मां हे परमात्मा आज्ञा चक्र को आज्ञा दो मेरा संकल्प पूरा करे, मेरा गोल पूरा करे। विश्व में, ब्रह्मांड में कहीं भी उस संकल्प की प्राप्ति के लिए शक्तियों को जो भी करना है वो करें, पर मेरा संकल्प पूरा हो, मेरा गोल पूरा हो। पूरा विश्व आपका है, वसुदेव कुटुंबकम। जिस पृथ्वी पे हम रह रहे हैं ये ब्रह्मांड का, उन शक्तियों का, परमात्मा की शक्तियों का एक छोटा सा पार्ट है। ऐसी पता नहीं कितनी पृथ्वी और हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं है, पर हैं जरूर। आप देखो ध्यान में कहां कहां आप पहुंच जाते हो, वो सब है। क्या बात है, आपका संकल्प पूरा हो गया, आपका गोल पूरा हो गया, उसकी कल्पना करें, उसको महसूस करें। गुरु महाराज का धन्यवाद करें, शुक्रिया करें। माता रानी का, परमात्मा का, आपके जो इष्ट हैं उसका शुक्रिया करें। धन्यवाद धन्यवाद, थैंक्स करें, मन से थैंक्स करें। ऐसा थैंक्स कि महसूस हो शक्ति को कि उसने थैंक्स किया है, कि उसकी कृपा के बिना कुछ हो नहीं सकता। हे माँ आपने बहुत कृपा की, महारानी हे भगवान ईश्वर बहुत कृपा किया, गुरुदेव आपने मेरे संकल्प को, मेरे गोल को पूरा किया। तो जितना गोल दूसरों के भले के लिए होगा, संकल्प दूसरों के भले के लिए होगा, आपका भला हो दूसरों का भी भला जिसमें जुड़ा होगा वो जल्दी पूरा होंगे। मयूरपंख मुद्रा करें,
धीरे हाथ उठाएं, आंख खोल लें। ऐसे टच करें, दोस्तों जैसे मैंने कहा कि आपकी शक्ति आपके भीतर है, जैसे बाहर सूर्य भगवान उदय हुए हों और आपने घर की विंडो बंद करके रखी हों, पूरे बड़े बड़े पर्दे लगाए हों, सूर्य की रोशनी अंदर नहीं आ पाई, पर कुछ ना कुछ रोशनी महसूस जरूर होगी कि बाहर रोशनी हो गई है। बहुत ही डार्क होंगे तो बिल्कुल महसूस नहीं होगी। तो जब तक आप अपने अंदर के पर्दों को नहीं खोलते हो, ये उस शक्ति की रोशनी भी आपको टच नहीं कर पाएगी, और इसके लिए आपको ही जूझना होगा, कोई कुछ नहीं कर सकता आपके लिए। आपको जब आपकी उसके साथ एकाकार हो जाओगे तो आप फिर उस शक्ति के पीछे लग जाओगे, उस रोशनी को ढूंढने लगोगे। भगवान करे, माता रानी करे, आप सबको उस ऊर्जा का, उस शक्ति का अनुभव हो, आप अपने खुद के मालिक बने, उस जो ज्ञान की धारा आपके अंदर है, जो शक्ति का सरोवर आपके अंदर है, जो कामधेनु गाय कल्प वृक्ष आपके अंदर है, उसको पहचाने। इसी के साथ आपसे इजाजत लेता हूं। आपके भीतर बैठी हुई माता रानी को, भगवान को, ईश्वर को प्रणाम करता हूं। मां कृपा करें, सुखी रहें। जय माता जी।